इस वीडियो में आज हम दिखाएंगे डाइकिन कंपनी का डक्टेबल एसी किस तरह गैस चार्ज किया जाता है और उसको प्रेशराइज किस तरह किया जाता है। ये मशीन में गैस लीकेज है, पहले किसी ने आया था उस पर एयर प्रेशर दिया था तो लीकेज नहीं मिला है। फिर हम लोग उस पर कंपनी वालों को बुलाया कि नाइट्रोजन प्रेशर मंगाने के लिए, तो नाइट्रोजन प्रेशर कंपनी वाला लेकर आया है तो हम लोग उस पर प्रेशर देंगे, लीक टेस्ट करेंगे और उसको रिपेयरिंग करके फिर गैस चार्ज करेंगे। वो किस तरह होता है वो आज हम इस वीडियो कम्प्लीट दिखाएँगे। कोई भी कंपनी का एसी हो उस पर एयर प्रेशर कभी देना नहीं चाहिए। एयर प्रेशर देंगे तो वो कंप्रेसर फेल हो जाएगा, क्योंकि एयर प्रेशर अभी का जो मशीन है उस पर 410 R32 जो गैस होता है उस पर एयर प्रेशर देंगे तो बहुत ही रिक्स होता है और एयर प्रेशर नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखिए, इस पर इनडोर पर प्रेशर दिया था उस पर 350 के आसपास, तो इनडोर का प्रेशर जितना भी था वो होल्ड हुआ था, मतलब लीकेज नहीं मिला है। अभी हम लोग इस पर क्या करेंगे, ये पूरा प्रेशर जो है वो निकाल देंगे, निकाल के फिर से अलग अलग और एक बार प्रेशर देंगे और थोड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन प्रेशर है ज़्यादा, मतलब कोई जगह कमज़ोर हो जाएगा, कोई जगह कमज़ोर है, मतलब जैसे लीकेज है इंडोर साइड पे आप 350 से मैक्सिमम 380 या 400 के 400 भी दे सकते हैं, पाइपलाइन लेंथ बढ़ा है और डक्टेबल एसी होगा तो आउटडोर पे 450 तक दे सकते हैं। तो प्रेशर किस तरह दिया जाता है, पूरा सिस्टम लगा हुआ रहेगा तो आपको सबसे पहले, क्योंकि बड़ा जो सिस्टम होता है डक्टेबल एसी होता है वो सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व दोनों लगा होता है, मतलब जो पोर्ट लगा होता है सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व पे दोनों को प्रेशर चेक करने के लिए। तो इसके लिए फ़ायदा होता है आप मशीन को ओपन बिना ओपन करके उस पर देख सकते हैं। तो हम लोग पूरा सिस्टम में प्रेशर देने के बाद, जैसे देख पूरा सिस्टम में, मतलब दोनों एलंग की बंद करने के बाद आप सक्शन लाइन से हो डिस्चार्ज लाइन से हो कोई भी एक साइड पे गेज लगा के दूसरे साइड से प्रेशर देंगे तो वो प्रेशर आपको इंडोर होके पूरा पाइपलाइन समेत उसको प्रेशर शो करेगा। उस तरह आप इंडोर पे और पाइपलाइन को एक प्रेशर दे सकते हैं और आउटडोर को अलग से दे सकते हैं। पूरा सिस्टम में 550 या 500 दे देंगे फिर एलंग की बंद कर देंगे तो आउटडोर साइड अलग हो जाएगा, इंडोर साइड अलग हो जाएगा पाइप के साथ। तो इस पर इस तरह आप अलग अलग प्रेशर दे सकते हैं। यहाँ पे पहले जो लोग आया था उस पर इस कंपनी का कहना है, जो यहाँ पे जो टेक्नीशियन है ये शॉर्टेक्स मशीन पर लगा हुआ है, तो वो लोग छोटा कंप्रेसर ले आके इस पर प्रेशर दिया था। तो प्रेशर देने के बाद मशीन को कोई भी जगह लॉक नहीं किया, हालांकि लॉक करा हुआ था लेकिन सिस्टम का पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू था। किसी ने मशीन को चालू कर देता तो ये ब्लास्ट होने का संभावना हो सकता था, क्योंकि अभी का जो गैस है उस पर आग लगने का संभावना ज़्यादा है। और एयर प्रेशर देने से क्या होता है, अंदर आग तब लगता है जहाँ पर ऑक्सीजन होता है। इसके लिए जब भी ऐसे प्रेशर देना होता है, कोई जगह पे प्रेशर दे के होल्ड करना होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई अलग करके आना चाहिए या उसका पावर सप्लाई निकल देना चाहिए। क्योंकि जैसे सोचिए, आज हम टेक्नीशियन वहाँ पे गए थे, कल दूसरी बंदा जा सकता है, मेरा तबीयत ख़राब हो सकता है तो मेरे जगह दूसरी जगह आदमी जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा मशीन पे कितना प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ कि नहीं है। इसके लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई खुला होगा तो उसको पता चलेगा मशीन पे कुछ काम हुआ है, इलेक्ट्रिक सप्लाई खुला है तो चालू नहीं कर पाएगा। लेकिन इस मशीन पे देखिए, हम लोग 450 के आसपास प्रेशर दिया हूँ, 450 ही, पूरा 450 प्रेशर दिया हूँ तो यहाँ पे पूरा दिन लग गया है, लीकेज नहीं मिला है। आखिर में यहाँ पे लीकेज मिला है, ये जो NNV बल्ब लगा हुआ है स्ट्रेनर के पास, मतलब हमारा छोटा जो मशीन है, फ्रिज हो एसी हो उस पर स्ट्रेनर के दो मुंह होता है, एक कंडेंसर के डायरेक्ट लाइन लगता है, एक जगह से सेल वैक्यूम होता है। तो कंपनी वाला ये सेल वैक्यूम करने के लिए रखा है, लेकिन बड़ा सिस्टम में सेल वैक्यूम नहीं होता है। इस पर 2 HP के आसपास जो वैक्यूम पंप होता है उस पर आप वैक्यूम करने के लिए दोनों तरफ से वैक्यूम कर सकते हैं, इसके लिए ये सिस्टम दिया रहता है। और कोई जगह क्या होता है, ये स्ट्रेनर जो है चोक्ड हो जाता है तो वहाँ से चालू करके फ्लास करके आप देख सकते हैं कि स्ट्रेनर चोक है कि नहीं, इसके लिए ये दिया रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो 350 प्रेशर था उस पर प्रेशर निकाल देंगे, क्योंकि इनडोर पे होल्ड नहीं हुआ, मतलब होल्ड किया था उस पर ड्रॉप नहीं हुआ। माइनर भी लीकेज होगा तो एक पॉइंट भी ड्रॉप होगा 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर। हम लोग यहाँ पे पूरा दिन काम किया हूँ सुबह से लेके शाम तक, लेकिन
प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ इंडोर से, मतलब इंडोर से प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ, मतलब पाइपलाइन और इंडोर पे प्रेशर दिया था, क्योंकि सक्शन और डिस्चार्ज दोनों को हालांकि बंद करके अब डिस्चार्ज से प्रेशर देंगे तो सक्शन पे गेज लगाना पड़ेगा, और सक्शन से प्रेशर देंगे तो डिस्चार्ज पे लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, वो पाइप से प्रेशर इंडोर से होके दूसरी जगह पे दूसरे साइड गेज पे आपको शो करेगा, और आउटडोर पे देखे देंगे तो आप कंडेंसर का जो साइड है उसका एलएनजी खोल के रखना पड़ेगा, फिर कंडेंसर के साथ ये प्रेशर होल्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर सक्शन साइड बंद है एलएनजी, क्योंकि सक्शन डिस्चार्ज से प्रेशर दिया हूँ, तो डिस्चार्ज से होके अब कंडेंसर की तरफ भी जाएगा और कूलिंग कलर की तरफ भी जाएगा, दोनों तरफ से प्रेशर होके हम लोग इस पर 450 प्रेशर दिया हूँ। 450 प्रेशर देने के बाद इस पर होल्ड पे रखा था, उसके बीच में हम लोग ये दोनों मशीन दिखाया था पहले, यहाँ पे दो मशीन है 3 टन का डक्टेबल इसी है, शॉर्टेज मशीन पे लगा हुआ है, तो दोनों मशीन को सर्विस कर दिया हूँ। अब प्रेशर देने का जो सिस्टम है देखिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट गेज लगा के भी दे सकते हैं, या उस पर कोई भी मतलब चार्जिंग लाइन या डायरेक्ट जो गेज होता है वो लगा के भी आप चेक कर सकते हैं। अभी इंडोर का जो प्रेशर है वो देखिए, डिस्चार्ज हम लोग ओपन किया हूँ अभी, तो इंडोर को प्रेशर आउटडोर पे जाएगा, तो मतलब पूरा सिस्टम सक्शन लाइन से होके, सक्शन का हालांकि बंद है अभी, तो सक्शन लाइन से प्रेशर इंडोर पे जा रहा है, इंडोर से घूम के डिस्चार्ज लाइन से होके कंडेंसर पे जा रहा है। ठीक है, ये प्रेशर हम लोग 450 तक करेंगे, 450 में प्रेशर 90 के प्रेशर में पता चल जाएगा लीकेज होगा तो, क्योंकि पहले हम लोग इस पे जो देखा था एयर प्रेशर उस पे 300 के आसपास प्रेशर था, लेकिन ड्रॉप नहीं हुआ है। अब ड्रॉप हुआ कि नहीं पता नहीं, क्योंकि वो लोग 300 ही दिया है कि कितना ज़्यादा दिया है, कोई जगह लिखा भी नहीं है, कोई पता भी नहीं है। तो लेकिन और एक चीज़ ध्यान रखना, नाइट्रोजन प्रेशर जब भी देना होता है, जो गेज इस पे गेज नहीं लगा हुआ है हम लोग डायरेक्ट दे रहे हैं, ये सेफ्टी के साथ देना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग ये जुगाड़ बनाया हूँ ये नाइट्रोजन वाल्व पे लगाने के लिए, आपको इसका गेज भी मिलता है, लेकिन गेज में क्या होता है, नाइट्रोजन के लिए अलग गेज नहीं मिलता है, ऑक्सीजन वाला गेज मिलता है, उस पर इतना स्लो जाता है और 500 प्रेशर उठाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम लोग ये डायरेक्ट उस पर नाइट्रोजन वाल्व मतलब बटला पे लगाया हूँ। तो लेकिन डायरेक्ट जब इस पर डायरेक्ट लगाएंगे तो सावधानी से लगाएंगे, और नाइट्रोजन प्रेशर एकदम धीरे धीरे मतलब 10-10 करके उस पर आप होना चाहिए, ज़्यादा नहीं करके आपका ये चार्जिंग लाइन सब कुछ फट जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा था, क्योंकि इस पर 2200 के आसपास प्रेशर रहता है, 2200 से 2500 के आसपास प्रेशर रहता है, मतलब 2000 के आसपास लिखा रहता है, लेकिन 2500 पकड़ के ही चलेंगे हम लोग, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपका प्रेशर मतलब ज़्यादा आपका बाटला का जो वाल्व है उसको ज़्यादा खोलेंगे तो आपका गेज भी ख़राब हो जाएगा और चार्जिंग लाइन भी फट जाएगा। अब ये देखिए कितना 400 तक गया है, इसको और थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा जा रहा है, मतलब जैसे अभी देखिए इतना जो धीरे धीरे जा रहे हैं ऐसे ही जाना चाहिए, इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका गेज पूरा आउट कर देगा, नाइट्रोजन प्रेशर ज़्यादा होता है, इसको 450 तक करके हम लोग इसको नाइट्रोजन को बंद कर देंगे। देखिए अभी 450 हो गया है, अभी नाइट्रोजन का जो वाल्व है उसको बंद करेंगे, फिर हम लोग और एक बार लीक चेक करेंगे। लीक चेक करने का तरीका है, जैसे अभी 450 प्रेशर दे के आपको एलैंग की बंद कर देना पड़ेगा, सक्शन और डिस्चार्ज ये पूरा सिस्टम में दे रहा हूँ प्रेशर, फिर बंद करने से क्या होगा, हालांकि बंद कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, बीच में अलग हो जाएगा, मतलब इंडोर और इन जो पाइपलाइन है वो अलग हो जाएगा, और आउटडोर का जो साइड है वो पूरा अलग हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका दोनों तरफ से अलग अलग होने से अब जब प्रेशर होल्ड करेंगे, जब इसको चेक करेंगे दोनों तरफ से सेम प्रेशर होना चाहिए तो लीकेज नहीं होगा, और जो साइड पे प्रेशर ड्रॉप होगा उस साइड से आपको लीकेज होगा। आप इसको 2 दिन भी होल्ड कर सकते हो, 24 घंटे के आसपास होल्ड करने से सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन ये हम लोगों का लीकेज जो है वो मिल गया था, इसके लिए हम लोग प्रेशर होल्ड नहीं किया हूँ। कभी कभी क्या होता है, 2 दिन के बाद भी प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है, फिर 3रे दिन देखा जाता है थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है,
थोड़ा सा भी दिक्कत आता है, ये 3 महीने 4 महीने के बाद फिर लीकेज हो जाता है, मतलब प्रेशर गैस निकल जाता है। तो हम लोगों को इस पर बड़ा जो सिस्टम है इस पर और एक जगह डाउट था, मतलब इसका जो LPHP जो वाल्व होता है, मतलब स्विच होता है, उस जगह पे कभी कभी वायर के पास से, मतलब LPHP आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए, LPHP का जो स्विच है इसका वायर जहाँ से निकला हुआ है यहाँ पे भी लीकेज होता है। एक जगह पे हुआ था इसे, तो इसकी वजह से ये आपको मतलब ढूंढते ढूंढते आप थक जाएंगे, लेकिन आपको ऐसे ही नहीं लगेगा कि वहाँ पर इसका लीकेज होता है। तो कैसा हम लोग 2 घंटे के बाद देखा कि सब जितना था सर्चर था उतना ही है, मतलब ड्रॉप नहीं हुआ। तो हम लोग इसको वैक्यूम पे बिठाया था, मतलब प्रेशर ड्रॉप जब नहीं हुआ है, मतलब लीकेज हुई NRP वाल्व जो लगा हुआ है वहाँ पे एक ही जगह पे है, बहुत माइनर लीकेज था, मतलब अब पता नहीं चलेगा कि बहुत देर के बाद पिन से एक बूंद आता है, लेकिन वो वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाया हूँ क्योंकि बीच में वो दिखा नहीं पाया हूँ, क्योंकि एक तो सीढ़ी ऊपर तरफ है और जगह भी थोड़ा मुश्किल है, तो लीकेज मतलब वहाँ पे था, लेकिन दूसरी जगह भी हो सकता है, मतलब लीकेज देखिए वीडियो दिखाने का मतलब ये नहीं है आप लीकेज क्यों नहीं दिखाया हो, दिखाया हो प्रेशर कितना दिया दिखाया हो, अब जो बोलना हो इसका जो मतलब है, इसका जो तरीका है वो जानना सबसे ज़रूरी है, मतलब किस तरह प्रेशर दिया जाता है, लीकेज किस तरह ढूंढा जाता है। वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे टेक्नीशियन कमेंट करता है आप तो इस पर लीकेज दिखाया ही नहीं है, वैक्यूम लगाया है वैक्यूम नहीं चल रहा है, वैक्यूम ऐसे ही लगा के रखा हुआ है, ये सवाल करने का जरूरत, मतलब उल्टा उल्टा सवाल करके कोई फ़ायदा नहीं है। सीखने को जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग तो देखते हैं कि हाँ सही है। अभी देखिए वैक्यूम करने के बाद इसको गैस जो लिखा हुआ है 2 किलो 30 ग्राम गैस लिखा हुआ है, सॉरी 2 किलो 300 ग्राम गैस लिखा हुआ है इस पर, तो और पाइपलाइन भी थोड़ा लंबा है, तो इस पर हम लोग और थोड़ा गैस ज़्यादा थोड़ा ऐड करेंगे, मतलब पर मीटर के हिसाब से 15 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आपका जितना कंपनी वाला 15 फुट का पाइप इस पर ऐड कर सकते हो, 15 फुट से ज़्यादा पाइप होगा तो आप 15 ग्राम से गैस ऐड कर सकते हो मतलब पर मीटर पे। तो हम लोग उसी हिसाब से नहीं करेंगे क्योंकि अभी ठंडी के मौसम है, ठंडी के मौसम नहीं है बारिश हो रहा है, बारिश की वजह से वातावरण का जो टेम्परेचर है नॉर्मल है, तो उसी हिसाब से हम लोग वैक्यूम करने के बाद पाइप पाइप फ्लश करने करके इस पर गैस ऐड करेंगे, मतलब गैस डालेंगे वैक्यूम हालत पे। यहाँ पे देखिए 410 का जो सिस्टम है इस पर 410 गैस है, गैस को उल्टा करके डालना चाहिए, इससे क्या होगा 410 जो गैस होता है उस पर दोनों गैस मिक्स होता है, तो दोनों गैस 50-50 होता है, तो आप उसको उल्टा नहीं करेंगे, तो जो गैस का प्रेशर ज़्यादा है उसको सीधा करके डालेंगे, तो जो गैस का प्रेशर ज़्यादा है वो मशीन के अंदर पहले चला जाएगा और जिसका प्रेशर कम है वो बाद में जाएगा, तो इससे क्या होगा दो गैस का जो इक्वल है वो परसेंटेज है वो कम ज़्यादा हो जाएगा, तो कूलिंग में दिक्कत आएगा। इसके लिए आप उसको उल्टा करके लिक्विड हालत पे मशीन पे डालना चाहिए, तो जब मशीन के अंदर गैस जाएगा तो आपको गेज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि उस पर 40 से ऊपर आपका नॉर्मल आइडियल प्रेशर होना चाहिए, तब उसके बाद मशीन चालू होगा, नहीं तो आपका मशीन चालू नहीं होगा क्योंकि सिस्टम बड़ा है, स्पेस 75 फुट का जैसे पाइप लगा हुआ है या इनडोर से आउटडोर का गैप में, तो आपके 2 किलो का जो गैस का मशीन में दिया हुआ है 2 किलो गैस उसके अंदर पूरा चला जाएगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा, तो उसी हिसाब से 40 कम से कम 40 उसका प्रेशर होना चाहिए, 40 प्रेशर होगा तो ही मशीन स्टार्ट होगा, क्योंकि LPHP स्विच ऑन नहीं होगा, LPHP स्विच ऑन नहीं होगा तो CP लाइन पास नहीं करेगा। तो हम लोग देखिए मशीन को चालू किया हूँ, मशीन को चालू करने के बाद इसका एम्पियर और गैस ये दोनों डिपेंड करता है आप जो एरिया पे काम कर रहे हो वहाँ का वातावरण का टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर, क्योंकि ये गैस का जो सिस्टम है पूरा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है,
जैसे यहाँ पे 200 2 किलो 300 ग्राम जो गैस है आप पूरा वजन करके डाल देंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस पर क्या होगा, पाइपलाइन ज़्यादा है तो उस पर गैस कितने ऐड करेंगे उसी हिसाब से पता नहीं चलेगा। 410 का जो बैक प्रेशर रखने का जो सिस्टम है, ज़्यादा के ज़्यादा टेक्नीसियन 110 रखते हैं 110 के आसपास, लेकिन मेरा कहना है 110 तो सही है। आपको कोई भी मशीन पे गैस चेंज करने के टाइम एम्पियर और एम्बिनेट टेम्परेचर, आपका जो एम्बिनेट जिस जगह पे काम कर रही है वहाँ का टेम्परेचर कितना है उसके साथ 90 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 90 ऐड करना पड़ेगा, मतलब जैसे वातावरण का टेम्परेचर 30 है तो 90 ऐड करेंगे, 90 और 30 क्या होगा, 120 होगा, तो उसी हिसाब से आपका गैस चेंज करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आप ठंडी के मौसम में हो या गर्मी के मौसम में हो या बारिश के मौसम में हो, कोई भी मौसम में हो आपका मशीन सही से काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए बारिश के मौसम में कितना ज़ोर से बारिश हो रहा है, देखिए ये वीडियो पे देखिए बारिश के मौसम है। तो अभी मैं 110 प्रेशर करके छोड़ दूंगा तो ये गर्मी के टाइम पे 110 की जगह 150 के प्रेस चला जाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग बैक प्रेशर वेरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको 230 ग्राम जो गैस लिखा हुआ है 2 किलो, तो उतना ही गैस डालना है, लेकिन एम्पियर भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एम्पियर जो 7.8 ले रहा है, लेकिन मशीन पे एम्पियर लिखा है 8.3 है, मतलब अभी गैस देना पड़ेगा, लेकिन नहीं, इस पे एम्पियर के हिसाब से गैस देंगे तो गर्मी के टाइम ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको एम्पियर भी ध्यान रखना पड़ेगा। एम्पियर यहाँ पे 7.8 ले रहा है, अभी का जो मौसम है उसी हिसाब से हम लोग इस पे बैक प्रेशर 90 ऐड करके इसको डाला हूँ। अभी कितना डाला हूँ वो उस दिखाने जाएंगे तो आपके हिसाब से वहाँ पे वीडियो पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सक्शन रिटर्न और डिस्चार्ज रिटर्न एकदम परफेक्ट है, मतलब कूलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। वातावरण का जो टेम्परेचर है, अभी बारिश हो रहा है उसी हिसाब से यहाँ का जो टेम्परेचर है उसके साथ 90 ऐड करके जितना होगा उतना बैक प्रेशर इसका रखेंगे। तो इससे क्या होगा, ये वाला जो मशीन गर्मी के टाइम में भी सही से चले काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और बारिश के मौसम में भी सही चलेगा, और दूसरे के जो मौसम है दूसरा मतलब गर्मी और ठंडी दोनों मौसम में ये सही से काम करेगा। इसको और थोड़ा गैस, अभी देखिए एक तीन थ्री फेज का लाइन है तो थ्री फेज पे अलग अलग दिखाएगा, लेकिन जब भी गैसेज करेंगी तो जो फेज पे ज़्यादा एम्पियर ले रहा है उस फेज को पकड़ के गैसेज करना चाहिए। तो बारिश का मौसम है इसके लिए हम लोग 90 ऐड किया हूँ, इसको 110 ही बैक प्रेशर हुआ है, मतलब 90+27 मतलब 115 हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम रखा हूँ इसका, क्योंकि हम लोग 200 2.5 किलो का गैस उसके अंदर चला गया है, मतलब थोड़ा ज़्यादा चला गया है, 2.5 किलो मतलब 2 किलो 300 है तो पाइपलाइन ज़्यादा है, तो और 200 ग्राम 300 ग्राम ज़्यादा दिया हूँ, तो उसी हिसाब से बैक प्रेशर और ज़्यादा नहीं किया हूँ।